कानपुर दक्षिण में बीते रविवार की रात करीब 8:30 बजे युवती को बदमाशों ने घेर लिया। पूर्व में लिखे मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए तेजाब डालने की धमकी देने लगे और साथ ही साथ कट्टा दिखाकर युवती के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में बुजैनी पुलिस ने संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर डाली है। पीड़ित युवती सदमे में है। युवती की मां थाने में 5 दिनों से मुकदमा लिखवाने के लिए चक्कर काट रही है, पर मामले में ना ही मुकदमा लिखा गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। युवती द्वारा पूर्व में भी आरोपी अजय विजय पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था। युवती की मां ने बताया है कि जब बेटी ने उसके साथ हुई घटना के बारे में घर में बताया तो मां ने रिश्तेदारों को बुलाया और थाने जाने के लिए जैसे ही निकले आरोपियों ने पूर्व नियोजित तरीके से अपने घरों की छत से चढ़कर पथराव कर दिया। पथराव में घर पर खड़ी ऑटो रिक्शा के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। सभी ने कैसे भी कर अपनी जान बचाई। इतना सब कुछ होने के बाद जब पीड़िता थाने पहुंची तो किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, उल्टे युवती के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप और धाराएं लगा दी। थाने चौकी के चक्कर काट रही परेशान माँ आज कानपुर पुलिस नियुक्त के सामने फरियाद लेकर पहुंची थी। मामले पर एक तरफा कार्रवाई पुलिसिया कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है आपका? रेखा भदौरिया। क्या मामला हुआ था, आज कहां पर आई हैं? हम कमिश्नर के यहां आए हैं और 10 तारीख की घटना आई है। 8:30 बजे हमारी बिटिया मार्केट से घर आ रही थी तो इनके रामानंद शर्मा का दो लड़के हैं, अजय शर्मा विजय शर्मा, उन्होंने उसको वहाँ बाईपास पर रोक लिया। पीछे जयराम हॉस्पिटल से जो नीचे को रोड उतरती है वहाँ भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। कहने लगे तुम्हारे मुंह पर तेजाब फेर देंगे ना, अपना मुकदमा वापस ले लो। अभी इन्होंने बदतमीजी 2 महीने पहले भी 1.5-2 महीने पहले की थी तो उसका मैंने मुकदमा लिखा दिया था। और दोबारा वो धमकी देते हुए कि तुम्हारे पूरे घर को मारेंगे, तुम्हारा नहीं मुकदमा अपना वापस ले लो ना, तुम्हारे मुँह पर तेजाब डाल देंगे, जो बड़ी नेता बनी है, और बदतमीजी करते हुए गालियाँ देते हुए और भाग निकले। ये अपराधी तरह के लोग हैं, ये पूरा अपना वर्चस्व बना रहे हैं और हम लोगों को जीने नहीं दे रहे। हम लोगों को परेशान करके रखा है, हमारे मकान में रहने के लिए धमकी देते हैं, गालियां देते हैं और हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो उन पर पथराव करते हैं और पुलिस एक तरफा मुकदमा लिख रही है, हमारी नहीं सुन रही है। हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर मेरी नहीं सुनी जा रही, उनका एक तरफा मुकदमा लिखा जा रहा है। अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज आपको क्या आश्वासन मिला, कहां पर आई थी? आज हम कमिश्नर के आए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया, देखो आगे क्या करते हैं, अभी तक तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, हम चक्कर लगा के परेशान हो गए हैं। क्षेत्रीय पुलिस की क्या भूमिका है? वो नहीं सुन रही है, वो बिल्कुल नहीं सुन रही, वो उन्हीं की सुन रही, उनके भैया कुछ होंगे, उनका कुछ होगा तो उन्हीं की सुन रही, हमारा नहीं सुनी। हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर मेरी एक बात नहीं सुनी जा रही है। क्या लगता है आपकी सुनवाई नहीं हुई? वहाँ से नहीं सुनवाई हो रही, अभी यहाँ से हो जाए तो ठीक है। ना हुई आपकी सुनवाई तो क्या ऊपर जाएंगे? तो क्या करेंगे, आत्महत्या कर ले, नहीं ऊपर जाएंगे। ये लोग मुझे परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं और रहने नहीं देते मोहल्ले में, हमारे लड़कों को नहीं जाने देते। हमारी लड़की तो वहाँ जा नहीं सकती है, उनके लड़के इतना कमेंट गंदा करते हैं और 24 घंटे गलत नज़र से देखते हैं। फर्जी लिख रही है, हमारी सुन रही, उनके दरवाजे कैमरे लगे, उनका नहीं देख रही, फर्जी मुकदमे लिखे जा रही हूँ, मेरी नहीं सुन रही है और हमको वहाँ से भगा दिया जाता है और उनको बैठा के उनका उनकी एप्लीकेशन से सीधे मुकदमा लिखा जा रहा है।